Well, check the given number is smaller of 10 or not. अगर entered number का value 10 से छोटा then display करेंगे yes, otherwise no. Then 10 से छोटा होने के केस में इसे smaller के लिए जब भी test करना है use क्या करेंगे always less than operator. अगर given variable number का value 10 से छोटा है, अगर एक condition satisfy हो रहा है, satisfy किस केस में हुआ? In case of number is smaller than 10. अगर number का या variable का value 10 से छोटा है, then इस केस में condition कैसा होगा? True. Otherwise false. Total possible case कितने हैं? Either true or false. अगर number true, then display के अंदर yes number is less than 10. Otherwise no, number is not less than 10. Like that. Then इसके according again same logic part करेंगे. First of all providing variable declarations. Number of variable declarations कितने required? Only one variables, something integer number. Then again same case reading inputs from a keyboard. Keyboard से input read करने के लिए simply use करें scanf. Just इससे पहले users के respect में message provide करेंगे किस type का action perform कराना है. इसके इसमें write करें just enter number slash n like that. Then numbers को read कराने के लिए real में use क्या करेंगे? Scanf functions. %d address of number. Next step क्या है? Applying if condition और applying processing logics. Processing logics के respect में if condition write करेंगे like if value of number less than 10 means condition किसके respect में write किया? True के condition किसके respect में? True होने के respect. True means अगर नंबर का वैल्यू 10 से छोटा है, छोटा होने पर एग्जीक्यूशन किसका हो? बॉडी ऑफ इफ. तो इफ के बॉडी पार्ट में प्रोवाइड करेंगे यस रिक्वायर्ड मैसेज यस नंबर इज लेस देन 10. अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होने के केस में चांस किसको मिलेगा? एल्स ब्लॉक को. एल्स के होने के केस में मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे नो नंबर इज नॉट लेस देन 10 लाइक दैट. इसे जस्ट यस और नो के प्लेस पर रिव्यू में प्रोवाइड क्या करेंगे? सम रिक्वायर्ड लॉजिक्स नॉट अ यस नो. लेकिन अभी करंटली ओनली कंडीशन टेस्ट करना यूज क्या करेंगे? गिवन केस. फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा? वेरिएबल डिक्लेरेशन नंबर मींस मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल नंबर विद इनिशियल वैल्यू गार्बेज. इसके जस्ट बाद प्रिंट एफ फंक्शन एग्जीक्यूट. प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले किया जाए एंटर नंबर गिवन मैसेज. नेक्स्ट लाइन में कोई भी नंबर एंटर कराएं समथिंग. सपोज दैट इस केस में मैंने एंटर कराया 20. एंटर नंबर इज 20. देन स्कैनएफ से 20 रीड होने जस्ट बाद 20 असाइन किस में जाए? इनसाइड गिवन वेरिएबल नंबर. नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग. नंबर का वैल्यू क्या है? 20. नंबर के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे वैल्यू ऑफ नंबर विच इज 20. 20 लेस देन 10 कंडीशन इज कंप्लीटली फॉल्स. फॉल्स देन कंट्रोल कंसेंट हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक. एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाए? इससे नो नंबर इज नॉट लेस देन 10 लाइक दैट.